जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम चैप्टर करेंगे एवरेज का, औसत का। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो SSC का एग्जाम है, चाहे वो HSSC का एग्जाम है, या फिर कोई बैंक का एग्जाम है, या रेलवे का एग्जाम है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एवरेज से पूछे जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 क्लासेज में आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो जल्दी जल्दी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं औसत। औसत क्या है? औसत का फार्मूला देखो। सबसे पहले मैंने यहां पर एक नंबर लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। मैंने यहां पर 5 नंबर लिख दिए। अब मैंने इनका औसत निकालना है। इनका औसत निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन सभी संख्याओं का जोड़ दूंगा। एक बार जोड़ने पर आया हमारा ये 15। इसको हम डिवाइड कर देंगे कि कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं, इससे डिवाइड कर देंगे तो इनका जो औसत निकल के आया वो कितना आया, 3। यहां से फार्मूला बन गया हमारा। फार्मूला क्या बन गया एवरेज का, वो बन गया सम ऑफ एन नंबर अपॉन एन संख्याओं से। एवरेज क्या होता है, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उन सभी संख्याओं का योग जोड़कर किससे डिवाइड कर देंगे कि वो संख्याएं कितनी हैं। यहां पर योग कितना था, 15 था, संख्याएं कितनी थी, टोटल 5 थी, 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज निकल के आया कितना, 3। यहां से एक बात और निकल के आती है, सम ऑफ एन नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एवरेज इंटू एन। सभी संख्याओं का योग किसके बराबर हो जाएगा, जो एवरेज दे रखा है उसको जितनी भी संख्याएं हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सम ऑफ एन नंबर। जैसे कि इसमें मैंने निकाला था एवरेज कितना आया था, 3। तो 3 को नंबर कितने थी, संख्याएं कितनी थी, 5, तो 3, 5, 15, यानी कि सभी संख्याओं का योग कितना है, 15। ऐसे हम इसको निकाल, ये हमारे दोनों फार्मूले पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। अब बात करते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समानांतर श्रेणी, यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं गिवन, उसमें अगर उनका डिफरेंस बराबर बराबर मिलेगा आपको, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो क्या है, एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, संख्याएं मैंने लिख दी 1, 4, 7, 10, 13, इसमें जोड़ दिया हमने 3, 16, 19, 22, 25। ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इन सभी संख्याओं का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 3। यहां से 4 और 1 का डिफरेंस 3 है, 7 और 4 का 3 है, 10 और 7 का कितना है, 3 है। ठीक है, जब आपका ऐसे एपी में दे रखा हो तो हम कैसे निकालते हैं एवरेज, एवरेज निकालते हैं पहली संख्या क्या है, 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है, 25, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 26 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 13 एवरेज निकल के आएगा। इन सभी संख्याओं का जो एवरेज है अगर हम निकालें तो 13 एवरेज निकल के आएगा इसका। अब बात करते हैं इसका एक, जब आपको ऐसे निकालने पड़ जाए ना, तो देखो यहां पर देखते हैं संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है और संख्याएं दे रखी, ओड नंबर ऑफ टर्म है, ओड नंबर ऑफ टर्म। यहां पर देखना है कि इसका बीच वाले कौन से हैं, बीच वाला क्या है, देखो यहां पर 13, बीच वाली संख्या कितनी है, 13, तो बीच वाली संख्या ही आपका एवरेज होगा, यानी आंसर होगा, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 13। यहां पर देखो 9 है संख्याएं, अगर यहां पर संख्याएं 10 होती, यानी कि एक संख्या मैं और बढ़ा देता हूं यहां पर 28, तो हम कैसे करते, पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 28, और इसको 2 से डिवाइड कर देते, कितना आता, 29/2 = 14.5, ये आपका आ जाता। ठीक है, अब हम देखते हैं इस मेथड से, यहां पर देखो बीच वाली संख्याएं देखेंगे 2, बीच वाली संख्याएं कौन सी हैं, एक तो 13 है और एक 16 है, क्योंकि यहां पर संख्याएं टोटल कितनी है, 10 संख्याएं हैं, तो 4 इस तरफ रहेगी और 4 इस तरफ, अब बीच वाली संख्याएं बचेगी 13 और 16, इसको जोड़ देंगे, 13 और 16 को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 29, इसको अगर 2 से भाग करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आना है, 14.5। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। एक बात और,
जैसे मैं यहां लिख देता हूं, आठ संख्याओं का औसत, आठ संख्याओं का औसत 10 है। अगर प्रत्येक संख्या में दो जोड़ दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में दो जोड़ रहे हैं तो औसत में भी क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे, तो औसत कितना बन जाएगा 12। अगर प्रत्येक संख्या में से दो माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो एवरेज में से भी क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा यहां से, तो ये बन जाएगा 8। अगर प्रत्येक संख्या में दो से भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो एवरेज को भी क्या करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, तो नया एवरेज बन जाएगा 5। सेम ऑपरेशन, प्रत्येक संख्या पर जो ऑपरेशन लगाया जा रहा है वो यहां पर एवरेज पर भी वही लागू होगा आपका। अगर प्रत्येक संख्या को दो से मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या करेंगे, एवरेज को भी मल्टीप्लाई कर देंगे दो से, तो आपका आ जाएगा 10 × 20। सेम ऑपरेशन यहां पर भी लागू होगा। ये कुछ बेसिक बातें थी, अब करते हैं क्वेश्चन। दिनेश के पास राहुल से 2 गुना धन है, राहुल के पास रमेश से 50% ज्यादा धन है, उनका औसत धन 110 रुपए है, तो दिनेश के पास कितने रुपए हैं ये बताना। देखो यहां लिख लेते एक बार, दिनेश के लिए मैं डी लिख देता हूं, और राहुल के लिए आर, और रमेश के लिए भी क्या लिख देते हैं आर, ये पूरा लिख देता हूं मैं, रमेश, ये राहुल, ये दिनेश। अब देखते हैं, राहुल के पास रमेश से 50% ज्यादा है, 50% फ्रैक्शन का मतलब, फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 50% का मतलब 1/2। इसका मतलब ये है कि राहुल के पास 50% ज्यादा है रमेश से, रमेश के पास अगर 2 रुपए हैं तो राहुल के पास कितने हैं, 3 हैं, और दिनेश के पास राहुल से 2 गुना है, 2 गुना का मतलब इसके पास 6 रुपए हैं, इससे 3 का 2 गुना कर दिया। अब इसको मान लेते हैं एक्स, 6x 3x 2x। अब देखो औसत कितना है, 110 है, अगर टोटल औसत 110 है तो कितने यहां पर देखेंगे पर्सन कितने हैं, 3 है, दिनेश राहुल और रमेश, तो इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कुल धन कितना आ जाएगा, 330 रुपए। इन तीनों के पास मिलाकर टोटल कितना धन है, 330 रुपए। यहां पर देखेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे एक बार, इनको प्लस करेंगे तो 6 और 3 9 और 2 11, 11x किसके बराबर है, 330 के, तो x किसके बराबर है, 30 के। तो बताना क्या था कि दिनेश के पास कितना धन है, दिनेश के पास है 6x, तो इसको याद करेंगे 30 रख देंगे x की वैल्यू, तो 6 × 30 तो कितना जाएगा, 180। ये आंसर हो जाएगा कौन से वाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम है, तो हमने बताना है कि बी का वजन क्या होगा। देखो ए बी और सी तीनों का औसत वजन कितना है, 45 किलोग्राम है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल वजन आ जाएगा 135, तीनों का वजन आ गया 135 किलोग्राम। तो यहां पर दे रखा है नीचे ए और बी का, ए बी का औसत वजन है 40, तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो टोटल वजन आ जाएगा 80 किलोग्राम दोनों का। तो यहाँ लिखेंगे बी और सी का औसत वजन कितना है, 43 किलोग्राम, इसको भी 2 से गुणा तो ये आ जाएगा 83। अब करेंगे क्या, यहाँ पर देखो तीनों का है ए बी सी, तो यहाँ पर ए और बी की यहाँ पर रख देंगे वजन, यहाँ कर देता हूँ एक बार, ए और बी का यहाँ रख देते हैं, ए बी का कितना है 80, तो 80 प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 135, तो यहाँ से सी का वजन आ जाएगा 135 माइनस 80, सी कितना आ गया 55, सी का वजन आ गया 55। अब यहाँ पर इसमें रख देंगे सी का वजन 55, तो बी प्लस 55 इज इक्वल टू कितना 83, तो बी का वजन सीधा यहाँ से कितना जाएगा 31, 83 से ये माइनस कर देंगे 55, तो 31 इसका वजन आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 रुपए है, बी और सी की 75 है,
सी और ए की 78,000 रुपये है, तो बी की ए की वार्षिक आय कितनी होगी? देखो यहां से ए और बी की औसत आय कितनी है? 80,000। इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कुल आय आ जाएगी दोनों की कितनी? 1,60,000। ऐसे ही निकाल लेंगे बी और सी की औसत आय कितनी थी? 75,000। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी आय आ जाएगी दोनों की 1,50,000। ऐसे ही सी और ए की कितनी है औसत आय? 78,000। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14 और 1 = 15, 1,56,000। ठीक है, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14 = 15, ठीक है ना। अब इनको जोड़ देंगे सभी को। देखो यहाँ पर देखो ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, 2 times आया हुआ, तो हम यहाँ 2 कॉमन लेकर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की टोटल आय निकाल लेंगे यहाँ से, इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा 4,66,000, ये हो जाएगा। 2 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे ले जाकर, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, काटो इसको, ये आ जाएगा 2,33,000, ये आ गया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की टोटल आय कितनी है? 2,33,000 रुपये है। निकालनी किसकी थी? ए की निकालनी है, तो बी और सी की टोटल घटा देंगे तो बी और सी की कितनी है टोटल आय दोनों की? 1,50,000 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 2,33,000, तीनों वाली में से माइनस कर देंगे तो ए की कितनी आ जाएगी? 83,000, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम ए की आय निकाल लेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये था कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपको इस चैप्टर में आपको समझाई है, कंप्लीट करवाई है इस सेशन में आपको। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर करवा के दिखा भी दिए हैं आपको। तो अगली क्लास में हम जो है 8 से 10 क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेहनत करनी है लगातार, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करते रहना, वीडियो को कंप्लीट देखा करो ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। कोई भी चैप्टर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट से आप जो है ना कंप्लीट चैप्टर देखोगे तो आपको कंप्लीट तब समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।